बस्तर में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने टाटा कंपनी से जमीन वापस ली और आदिवासी भाइयों को वापस कर दी। छोटा काम नहीं है भाइयों और बहनों, ऐतिहासिक काम है। यह आपकी जमीन है, यह आपका हक है। और सिर्फ जमीन का काम नहीं किया हमने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में आप जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए और उनसे पूछिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आने से पहले उनको धान का क्या रेट मिलता था और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद उनको क्या रेट मिलता है। मैं खुशी से आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ के किसान को 2500 रुपए धान के लिए मिलते हैं। और मैं आपसे पूछता हूं, आज यहां धान के लिए आपको क्या रेट मिलता है? 1600। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो यहां भी आपको 2500 रुपए से कम रेट नहीं मिलेगा। साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपति अनिल अंबानी पर 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। मेहुल चौकसी चोरी करके भाग गया। विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया। मगर जब हिंदुस्तान और उड़ीसा का किसान कर्जा माफ करने की बात करता है तो नवीन पटनायक जी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम नहीं करने वाले। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले मैंने साफ कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी की जैसे ही सरकार बनेगी 10 दिन के अंदर, 11 दिन में नहीं, 10 दिन के अंदर इन प्रदेशों में हर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। और भाइयों और बहनों, खुशी से मैं कहता हूं, खुशी से कहता हूं कि तीनों प्रदेश में 2 दिन के अंदर हर एक किसान का कर्जा माफ हो गया। ये काम किए जा सकते हैं। उड़ीसा में पैसे की कोई कमी नहीं, आपके पास सब कुछ है, जल, जमीन, जंगल, माइन, सब कुछ, नेचुरल रिसोर्सेस, मगर आपसे छीना जाता है। और जो आश्वासन हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में दिया वो ही हम यहां पे करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए और उड़ीसा में हम किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगे। समय नहीं लगेगा भाइयों और बहनों, और उड़ीसा में गरीब जनता है, गरीबी की कोई कमी नहीं उड़ीसा में। नवीन जी आपके चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे गरीब प्रदेश है ये। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में बजट का अनाउंसमेंट हो रहा था, पीयूष गोयल ने अनाउंस किया कि हर किसान को वो दिन के 3.5 रुपए देंगे, सबसे अमीर लोगों को 1000 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान और उड़ीसा के किसान को 3.5 रुपए दिन का, एक परिवार को 17 रुपए। और उधर 5-10 मिनट बीजेपी के एमपी ने ताली बजाई, मजाक बना रखा है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं आपको बताता हूं कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। अगर नरेंद्र मोदी 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों को दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की गरीब लोगों को भी पैसा दे सकती है। और मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे।
2019 के चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक काम, माताएं और बहनों आप अच्छी तरह सुनो। मनरेगा हमने दिया, भोजन का अधिकार दिया, किसान का कर्जा माफ किया, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, ये सब हमने काम करके दिया है। अब हम ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को हम गारंटीड मिनिमम इनकम देने जा रहे हैं।